हेलो फ्रेंड्स, दुर्गा किचन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम गणेश जी के भोग प्रसाद में बनाएंगे चूरमा के ये मोदक। गुजरात के हर घर में बनाई जाने वाली ये टेस्टी सी रेसिपी, काफ़ी सॉफ्ट और जल्दी बनने वाली रेसिपी मैंने किस तरह से बनाई है, वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चूरमा के मोदक बनाने के लिए हमने ये एक कटोरी आटा लिया है और ये आटा बिल्कुल बारीक वाला है। अगर आपके पास थोड़ा सा मोटा वाला आटा हो तो आप इसमें यूज करें, वो बहुत बढ़िया रहेगा। मेरे पास बारीक था तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ। इसे थोड़ा सा दानेदार बनाने के लिए मैं इसमें हाफ कटोरी ये सूजी ऐड कर देती हूँ। तो इसमें बिल्कुल दानेदार हमारे जो मोदक हैं बन के तैयार होंगे। अब इसमें जाएगी ये 2 चम्मच घी डाल देते हैं और इसे मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे बढ़िया टेस्ट आएगा घी जो हमने इसमें डाला हुआ है। और ये मोदक बहुत ही बढ़िया बनते हैं, गुजरात में खासकर बनाए जाते हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। घी को मैंने अच्छे से आटे में मिक्स कर लिया है। अब इसमें मैं डालूंगी दूध। आप चाहें तो इसे पानी से भी गूंद सकते हैं, लेकिन मैं इसमें दूध डाल रही हूँ, बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। थोड़ा थोड़ा करके हम इसका टाइट सा डो बना के तैयार करेंगे। डो को ज़्यादा लूज़ नहीं करना, हमें टाइट डो बनाना है इस तरह से। तो ये देखिए मैंने डो लगा लिया है और अब इसके हम मुठिया बना लेंगे। तो थोड़ा सा आटा लेके इस तरह से, और हम इसे जब फ्राई करेंगे तो हम इसे इस तरह से शेप दे देंगे। तो मुठिया को हमें बिल्कुल ऐसे टेढ़ा मेढ़ा ही बनाना है, जब इन्हें फ्राई करें तो अंदर से भी अच्छे से ये सिक जाए। और इसी तरह से हम सारे बना के तैयार कर लेते हैं, दूसरा भी हम इसी तरह से बना लेते हैं। और ये देखिए इस तरह से बहुत ही आसान है इसे बनाना, इस तरह से हम सभी को तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने ये मुठिया बना के तैयार कर लिए हैं और अब चलते हैं इन्हें फ्राई करते हैं। गैस पर कढ़ाई रख के, और मैंने इसमें घी डाल दिया है क्योंकि मैं गणेश जी का भोग बना रही हूँ। और इसे अच्छे से गर्म होने, और घी अच्छे से गर्म हो गया है, अब फ्लेम को स्लो कर दें और उसके बाद हम इन्हें इसमें डाल देंगे। तो क्योंकि हमें ये बिल्कुल स्लो फ्लेम पे अच्छे धीरे धीरे से पकाना है, फ्राई करना है, अंदर से ये बिल्कुल कच्चे ना रहें। और थोड़ी देर हम ऐसे पड़े रहने देते हैं, उसके बाद हम इन्हें पलट देंगे। तो ये देखिए हमने इन्हें सेक लिया है और इनमें उलट पुलट करते हुए फ्लेम को स्लो करके, और इनमें बढ़िया सा कलर आ गया है, गोल्डन कलर आ गया है। बस इसे हमें इसी तरह से अब निकाल लेने हैं और जो बचे हुए हैं उन्हें भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। और अब क्या करेंगे, जब ये फ्राई हो जाए, हल्के से ठंडे हो जाए, तो इसे इस तरह से तोड़ते हुए हम थोड़ा सा पाउडर बना लेंगे, मिक्सी जार में डाल के बारीक पाउडर बनाएंगे और इसे सारे इनको हम तोड़ लेते हैं। तो किसी बड़े बर्तन में मैंने इन्हें तोड़ लिया है इस तरह से और काफ़ी ठंडे हो गए। अब इसे मिक्सी जार में पाउडर बना लेते हैं। तो ये देखिए मैंने बिल्कुल इसका बारीक पाउडर बना लिया है इस तरह से। और चूरमे के लिए हमें इस तरह से बिल्कुल बारीक पाउडर चाहिए। और अगर आपके पास ये थोड़ा सा मोटा रह जाता है तो आप किसी भी चलनी से छान सकते हैं। मैंने इसे बिल्कुल बारीक पीसा है और इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं। और अब इसमें डालेंगे ये हाफ कटोरी मैंने कोकोनट पाउडर लिया हुआ है, और ड्राई फ्रूट में डालेंगे ये बादाम। बादाम को मैंने थोड़ा सा दरदरा पीस लिया था, आप चाहें तो बारीक कट करके डाल सकते हैं। और ये कुटी हुई इलायची। अब मीठे में जाएगी इसमें पिसी हुई चीनी, और आप चाहें तो गुड़ के पाउडर का भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे, अच्छे से बाइंडिंग आने लगे तब तक मिला लेते हैं। अच्छे से मैंने सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है। अब इसमें मैं ले रही हूँ ताजी मलाई, बढ़िया टेस्ट आएगा इसमें। 2 चम्मच मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। तो मलाई आप ताजी लें और अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे भी। और ये देखिए जब ये मिक्सचर इस बाइंडिंग में आने लगे तो बस हम लेंगे एक मोदक का, ये इस तरह से हम भर लेंगे सांचे में, अच्छे से दबाते हुए हम इसे भर लेंगे, जिससे हमारे जो मोदक का शेप है बहुत बढ़िया आएगा। और फ्रेंड्स, गणेश चतुर्थी पे आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, भोग का प्रसाद आपको बहुत पसंद आएगा। इस तरह से हम इसे दबाते हुए भर लेंगे, ये देखिए अच्छे से हमने इसे दबा दिया है, और इसे हम धीरे से खोल देंगे। तो ये देखिए मोदक हमारा बनके तैयार है और हम इसी तरह से सभी को बना लेते हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, सारे मोदक तैयार हैं, चूरमा के टेस्टी मोदक। आप इसे पप्पा को भोग लगाइए, एंजॉय कीजिए मेरी इस वीडियो को। पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दुर्गा किचन को ज्वाइन कीजिए। फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।